ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और आपको अगर इधर आना मतलब अगर आपको इंडिया में ऑलमोस्ट किसी जगह जाना है तो ये रास्ता क्रॉस करना ही पड़ता है। पिपरा कोठी बोलते हैं इसे। पिपरा कोठी पार कर चुके हैं, यहाँ से लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर, तो आराम से समझ लो आधा घंटा से 40 मिनट लगने वाला होते हैं। सो देखते हैं हाईवे नंबर, नहीं नहीं हाईवे का नंबर कितना है? NH 28। ये नेशनल हाईवे 28 है। ये आप इधर 27 और 28। ओके देवी मांस खा रहे हैं, क्या फायदा? हरा सब्जी खाया जाएगा, हर साग सब्जी खाया जाएगा, दुकान से मैं हरा सब्जी खाऊंगा नहीं लगेगा। अच्छा दाल वगैरह वाला सब्जी मिलेगा? दाल तो लाइक इट, दाल मिल जाएगा। ओ मैं तो बोला नहीं, एक बार भी मैं वीडियो में नहीं बोला, सब्सक्राइब कर लेना। ओके लाइक भी कर देना सर, जितना बोल दीजिए सब। और पिपरा कोठी इधर बिहार में स्मार्ट सिटी मतलब बनने वाला है, स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया, समझ लो घोषित नहीं किया गया, वरना घोषित तो उसको बोलते हैं जो बन चुका है अभी। अब ये बन रहा है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे, ये हम लोग कहाँ पहुँच गए? ये मतलब कि मठ बनवारी के बगल में है, मतलब पिपरा कोठी के आगे समझ लो, एग्जैक्टली जगह पता नहीं, तो हाईवे नेशनल हाईवे 27 या 28 होगा। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद, रोड रिपेयरिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं वहाँ का, वो बाकला का भी दाल नहीं समझता है। ठीक है, आम लोग को लग रहा है कि इस तरह से जैसे मैंने काफी ज्यादा ये है, हाँ इस तरह से बात है, पॉपुलर है और दूसरी बात यह है कि गौतम बुद्ध जो है, मैंने जिस तरह से गाया में उनका नाम है, उसी तरीके से यहाँ के भी बहुत सारे लोग जो है पसंद करते हैं। सब खेत है, तो खेत में इतना पानी बिहार में कल कोई इलाका है जिधर जैसे बाढ़ आ जाएगा तो उससे परेशान है उत्तर बिहार, और दक्षिण साइड में जाइएगा तो उधर सुखाड़ आ जाएगा तो उससे परेशान है, इसीलिए तो बिहार आज तक डेवलप का नहीं किया, यहाँ बना बना के रखता है लोग और बाढ़ आएगा इसीलिए यहाँ पे ज्यादा परेशानी। कितना बार? इस साल, अभी इस साल तीन बार बाढ़ है की भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है बिहार। इधर कहाँ जा रहे थे अभी हम लोग? निकलेंगे वहाँ पे गलत रास्ता पे, गलत रास्ता से जाना पड़ेगा, उधर जाके निकलेंगे लाला छपरा से। तो बैरिया बाजार पे जाना है क्या तुमको? आप लोग चलिए ना उधर, पहले देखिए ना, पहले जिस काम के लिए जाना पहले वो काम आप लोग कीजिए ना, तो और घुमा दिए वही हम उधर से आएंगे ना तो नजदीक पड़ेगा। फाइनली पहुंच गए लगभग 40 से 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद। ये देखो नॉर्मल खेत में भी इतना पानी लगा हुआ है, क्या है ये? क्या वो भी कुछ है क्या? गवर्नमेंट का है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखिए सरिया स्तूप, बुद्ध स्तूप के सरिया, और एक बात बता दूंगा ये वर्ल्ड फेमस है, बुद्ध स्तूप के सरिया। ओके वर्ल्ड फेमस है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं इधर देखने के लिए। ये देखो केसरिया स्तूप, बिहार टूरिज्म, बिहार टूरिज्म। ओके गाइस सो लेट्स गो, एज वी हैव एंटर्ड बुद्ध स्तूप। और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा तो नहीं है, एंट्री मिलेगा पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ओके सो मास्क लगा लेते हैं। ये होगा पानी क्यों लगा, ये तो फील्ड था ना, डाउन है बहुत एरिया, ये पानी लग गया, उधर ही पानी लग गया, और इधर गार्ड्स और टॉयलेट है। इधर वर्ल्ड से लोग ट्रैवल करने आते हैं यार, देख रहे हो कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 1400 फीट में फैला हुआ है। ये देखो आई वॉज ऑल्सो हैविंग अ मिथ दैट दिस वॉज मेड बाई एलियंस, आई हैव हर्ड इट व्हेन आई वॉज चाइल्ड, बट दिस इज रॉन्ग एज वी रेड हियर। It was built by Maurya King Ashoka in the memory of Lord Buddha
it is said that he was traveling from here, so he stayed here for one night, and due to that Ashoka king felt that it is very precious that Lord Buddha himself visited here, so in memory of him he just built this, and this is very big. This is very huge, man, not big. So मैं सबसे ज़्यादा हैरान हुआ था इसका ईंट देखे, ईंट इतना बड़ा बड़ा ईंट, नॉर्मल ईंट से भी बहुत बड़ा है। चलो दिखाता हूँ, ईंट देखो यार, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है। और ये दूसरे टाइप का ईंट है, ये देखो, ये तो टुकड़ा है, इससे ही बड़ा होगा, मतलब ये अलग ही किस्म का ईंट से बना हुआ है उस समय का। ये देखो ईंट भी बहुत चौड़ा चौड़ा है। छोटा सा टेम्पल है नॉर्मली पूजा करने के लिए, और इधर एक बहुत ही बड़ा 200 साल पुराना, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बोल सकते हो, वो पेड़ है। ये देखो यार, बहुत बड़ा है, कैमरे में आ ही नहीं रहा पूरा। देखो गर्मी भी है भाई, धूप भी है और गर्मी भी है, और ज्यादा धूप है इधर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसके जंगल है इधर भी यार, हो सकता सांपों को दिक्कत हो जाएगा, सांपों होगा। ये इधर जाने के लिए ही है, इधर से लगता जाता है सब, सांप निकलेगा, स्नेक निकलेगा, नागिन नागिन पूरा निकल के डसेगा फिर इधर से। घूम लिया, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी जाके तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं आगे किधर को जा रहा है। सो बाय बाय बोल दो सर या पूछ तुपा को, ओके बाय बाय, चला जाए। अच्छा पहले खाना खा लिया जाए, आपको बहुत लगेगा इसके, खाना खा लेते हैं पहले उसके बाद चला जाएगा। तो हम लोग आ गए इधर पास में एक ढाबा है, तो उधर खा लेते हैं। चलो खाना बहुत ही बढ़िया था, बटर पनीर मसाला और रोटी गरम गरम बहुत ही टेस्टी था गाइस। अब डायरेक्ट घर जाए जाए, लाइक करना मत भूलो, सब्सक्राइब तो कर ही लो, और बेल आइकन भी बजा दो ताकि अगला वीडियो तुमको मिलता रहे। ओके सो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अबे बोल दो।